This video is brought to you by Howzat. Download the app now. नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। रविचंद्रन अश्विन, चेन्नई के अश्विन अन्ना ने चेन्नई में गदर काट दी है। पहले दिन से घूमती पिच पर गेंद से कमाल करने के बाद अश्विन ने बल्ले से भी अंग्रेजों की जमकर खबर ली। सोचा था खेलेंगे 50 लाख 1 करोड़ के कॉन्टेस्ट पर, लोग ज्वाइन ही नहीं किए और कॉन्टेस्ट रह गया सिर्फ 50,000 का। हाउज़ेट पे आओ, हाउज़ेट पे चलते हैं गारंटीड कॉन्टेस्ट, मतलब गारंटीड प्राइजेस। विजिट howzat.com, डाउनलोड द हाउज़ेट ऐप नाउ। चेन्नई में चल रहे दूसरे टेस्ट में 5 विकेट लेने वाला अश्विन ने भारत की दूसरी पारी में शतक जड़ दिया है। सिर्फ 106 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद खेलने उतरे अश्विन ने कैप्टन विराट कोहली के साथ 96 रनों की पार्टनरशिप की। इसी पार्टनरशिप के दौरान अश्विन ने अपनी 12वीं टेस्ट 50 भी पूरी की। इसके साथ ही वो अपने घरेलू मैदान में हुए टेस्ट में 5 विकेट लेने के साथ 50 मारने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए। 202 के टोटल पर कोहली 62 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अश्विन टिके रहे। इसके बाद आए कुलदीप यादव और ईशान शर्मा, दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन अश्विन पर इसका असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक छोर से इंग्लिश गेंदबाजों की खबर लेनी जारी रखी। 237 के टोटल पर ईशान शर्मा आउट हुए। अब क्रीज पर आए मोहम्मद सिराज। अश्विन उस वक्त 77 रन पर खेल रहे थे। लोगों को लगा कि अब उनकी सेंचुरी नहीं हो पाएगी, लेकिन अश्विन ने उम्मीद नहीं हारी। उन्होंने उसी ओवर में चौका और फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। अगले ओवर में उन्होंने फिर चौका जड़ा, लेकिन इस बार वो स्ट्राइक अपने पास नहीं रख पाए। अब बारी सिराज की थी। सिराज ने जैक लीच का पूरा ओवर निकाल लिया। अगले ओवर फिर उन्होंने 4 गेंदें खेली और इंग्लैंड ने नई बॉल मांग ली। अब रास्ता और मुश्किल होते दिख रहा था। अश्विन ने 81वें ओवर में चौका जड़ अपना स्कोर 91 तक पहुंचाया और अगला ओवर लेकर आए मोइन अली की तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब अश्विन 97 रन पर थे। अगली गेंद पर उन्होंने 2 रन निकाले और ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। इसके साथ ही उन्होंने तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। अब अश्विन एक ही टेस्ट में शतक और 5 विकेट लेने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 3 बार ये कारनामा किया है। पहले नंबर पर इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बॉथम है। बॉथम ने 5 बार ये कारनामा किया है। अश्विन का ये कारनामा इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इस लिस्ट में उनके अलावा सिर्फ 2 भारतीय हैं, वीनू मांकड़ और पॉली उमरीगर। वीनू ने 1952 और पॉली ने 1962 में ये कारनामा किया था। चेन्नई में अश्विन 106 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। भारत की दूसरी पारी 286 रनों पर समाप्त हुई। अब इंग्लैंड को ये टेस्ट जीतने के लिए चौथी पारी में 482 रनों का भारी भरकम स्कोर चेस करना होगा। अरे हाँ, जाते आते ये भी बता देते हैं कि इंग्लैंड को ढहते देख पिच की आलोचना करने वाले माइकल वॉन को अब यही पिच सड़क जैसी नजर आ रही है। बाकी जो नतीजा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।